देखो मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, सारा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि एक किसान पर मुकदमा लग गया। जब एक किसान पर मुकदमा लग गया तो वो पहुँचा वकील के पास, वकील से बोला भैया मेरा मुकदमा कटवा दे। तो वकील बोला भाई तुझे तो एक बात कहनी है। नु क्या? नु जब तुझसे जज कोई बात पूछ जाए तो उन्होंने कह दिया फुर। फिर उससे दूसरी बात पूछी कि कैसा मुकदमा, कैसा तने क्या रगड़ा करा है, तो कह दिया फुर। तीसरी बात कुछ ना जज ने फिर पूछी क्या बात है ना फुर। तो भैया वो जज जो है वो जो उस वकील को, वो वकील जो है उसके पास ले गया, जज के पास। उसने पूछी भाई वो गलती तने कैसा करी नु फुर। दूसरी बात पूछी नु गलती बतायो तने जज ने किस वक्त मारा हो नु फुर। तो जज बोला पागल है, पागल लिया है। तो मतलब वो बोला छोटे सा रिहाई करो, जो उसने छोड़ दिया। जब उसने छोड़ दिया तो वकील बोला भाई मैंने तेरा मुकदमा कटवा दिया नु, हाँ नु ला भाई पैसे ला नु फुर। तो भैया ये सरकार भी फुर जाएगी, इसका भी फुर हो जाना, मोदी का भी। तो हमारा कहने का वादा डेढ़ बार समझाते समझाते हम तो रोज हार गए, इसे करना हमें फुर। ये सरकार जाएगी फुर, जो कहना ना मानने की। तो अन्ना जनता से कुछ लेना है, केवल उसे अपना नाम रोशन करना, नाम लिखवाना हर जगह, अपनी पूजा करवानी है, ये काम के लिए वो मोदी आया। नाम रोशन नहीं होने देंगे हम, वो सब समझ नहीं होने देंगे, और ये काम होगा नहीं। जन हमारे नौजवान भटक गए थे, अब उनके दिमाग में बात आएगी, अब आएंगे सही और उसे बदल देंगे। नौजवानों नहीं, जवान भी हम यहाँ, किसान भी हम ही है, बिल्कुल जोर से। जिस दिन नौजवान अपने आप को समझ जाएगा उस दिन इस देश का तख्ता पलट जाएगा। क्यों किसान भाई माला माल हो जाएंगे। हाँ माला माल हो रहे हैं ना, करके देखे ना पता लगे ये माला माल ही तो हो रहे हैं। अरे जब ही तो भाग रहे हैं हमारी तरफ को। अरे एक बात बताइए, अगर किसान आदमी ये कहना मैं कुछ भी अपने खेतों में पैदा नहीं करेगा तो ये पूरी जनता कहाँ से खाएगी है? ये भी सोचा उसने कभी है? उनने कुछ काम किया है? सिर्फ तानाशाह बन के सिर्फ लोगों को पाकिस्तान हिंदुस्तान और क्या नाम है मुस्लिम और हिंदू में बांटने का काम करने के अलावा नौजवान हमारा इसमें भटक गया और आज उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है।